यह है तेली की सराय और आज हम आपको पूरी जानकारी के साथ तेली की सराय अंदर बाहर ऊपर नीचे सभी तरफ से दिखाएंगे। और ये तेली की सराय कहां पर है, कौन ने बनवाई, क्यों बनवाई, सभी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। और हमारे चैनल पर भारत के छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों के अद्भुत व शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और पास में बनी हुई घंटी उसको दबाना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं शुरू से। यह है तेली की सराय जाने का रास्ता। ये मध्य प्रदेश के हरदा जिले की हंडिया तहसील में स्थित है। तहसील मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर डुमलाय पंचायत में आती है। तेली की सराय हरदा शहर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है और जो बोर्ड लगा था वहां से तेली की सराय 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देखिए सामने आपको तेली की सराय के द्वार व बुर्ज दिखाई दे रहे होंगे और ये सामने आ गई है बैलगाड़ी। पहले की अपेक्षा अब बहुत ही कम देखने को मिलती है बैलगाड़ी। और ये सामने तेली की सराय का बोर्ड शिलालेख लिखा हुआ है जिस पर लिखा है कि जनश्रुति के अनुसार 16वीं-17वीं शताब्दी में इस सराय का निर्माण एक तेली बैंकर द्वारा अपने ग्राहकों को ठहराने के लिए करवाया गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ सैनिक छावनी भी रही होगी, मतलब 16वीं-17वीं शताब्दी में भी मुगल काल में ये सैनिक छावनी ही रही होगी और सैन्य अभ्यास व सैनिकों के रुकने के लिए जगह होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लाल मिट्टी है और आसपास सागौन के पेड़ भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर जन सुविधा केंद्र, शौचालय सामने आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसका उपयोग पर्यटन लोग यहाँ पर करते हैं। शौचालय की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। घूमने फिरने पिकनिक मनाने के लिए ये एक उत्तम स्थान है और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए भी बहुत ही शानदार जगह है। लेकिन आवारा तत्वों का यहाँ पर घूमना फिरना भटकना होता है, इसीलिए हो सके तो परिवार के साथ ही आए, महिला वर्ग खासकर, क्योंकि ये एक एकांत स्थान है। इसलिए सुरक्षा के लिए अकेले यहाँ पर ना आए, यहाँ पर कुछ संख्या में आए, 2-3-4-5 लोग यहाँ पर आए या फिर परिवार के साथ आए, अकेले कोई यहाँ पर ना आए। वैसे 20-25-30 लोग यहाँ पर होते ही हैं जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, इतनी रिस्क की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये एकांत थोड़ा दूर एरिया है, इसलिए अपनी सुरक्षा के साथ आए, अपने फैमिली परिवार के साथ आए। ये सामने आप तेली की सराय का द्वार देख रहे हैं, लेकिन ये पीछे का द्वार है, इसका मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है। फिलहाल तो यही मुख्य द्वार है। चलिए देखते हैं इस बोर्ड पर क्या लिखा है। इस बोर्ड पर लिखा है तेली का मंदिर हंडिया। ये सराय 3 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि तेल के व्यापारी ने अपने ग्राहकों के रुकने के लिए इस सराय का निर्माण कराया था, लेकिन वास्तुगत विशेषज्ञों का कहना है कि मुगल काल में सैनिकों के रहने व सैनिकों के युद्ध अभ्यास के लिए भी इस सराय का निर्माण कराया गया। और ये सराय हंडिया खेड़ला मांडू मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका महत्व अधिक है। इस सराय में 2 प्रवेश द्वार हैं जो अलंकृत हैं, सुसज्जित हैं। इसकी भित्तियों में, मतलब अर्थात दीवारों में, गुंबद व मीनारे बनी हुई है। इस सराय के भीतर 101 आयताकार कमरे कक्ष बने हुए हैं। ये स्मारक मुगल स्थापत्य का सुंदर नमूना है जो मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्मारक है। लेकिन यहाँ पर देखरेख का अभाव है, आवारा तत्वों द्वारा तोड़फोड़ भी की जा चुकी है, स्मारक को नुकसान पहुंचाया गया है। इन कमरों के अंदर प्रेमी जोड़ों के नाम लिखे हुए हैं। आशिक मिजाज लोग यहाँ पर आते हैं और दीवारों पर अपनी कला दिखा दिखा कर जाते हैं। देखिए क्या क्या नाम लिखे हैं। नाम लिखकर पूरी दीवार की डिजाइन ही बदल दी। और ये देखिए देखरेख के अभाव में चींटियों के इतने बड़े बड़े बिल बन गए हैं। इतने बड़े बिल हैं कि सांप भी आसानी से कुंडली मारकर बैठ सकता है। चारों तरफ एक जैसे कमरे बने हुए हैं।
और ये है ऊपर जाने का रास्ता। चलिए ऊपर चलकर देखते हैं कैसा नजारा है। और ये हम आ गए ऊपर। यहां भी कलाकारों ने कलाबाजी की हुई है। देखिए आसपास का नजारा हरा भरा। और ये दीवार है जिस पर से हम उस पार जाएंगे, क्योंकि बीच में छत नहीं डला हुआ है। और ये नीचे उतरने का रास्ता है, लेकिन हम नहीं उतरेंगे, हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। इन जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर बैठक मीटिंग करते होंगे, काम धंधे व्यापार की बैठक करते होंगे। ये पानी और उजाले के लिए एक प्रकार का रोशनदान है। आसपास सफेद पत्थर भी हैं। ये देखिए द्वार और बुर्ज मीनार। इन मीनारों पर ये खाली जगह रखी जाती थी ताकि सैनिक दूर से आते हुए शत्रुओं को, दूर से आते हुए मेहमानों को देख सके और उन पर नजर रख सके, ताकि इस जगह की सुरक्षा अच्छी तरह से हो सके और दिखने में भी डिजाइन अच्छी लगे, इसलिए इस तरह की डिजाइन बनाई जाती थी। ये देखिए ये एक और द्वार है, इसमें चढ़ने व उतरने की सीढ़ियां बनी हुई है। ये देखिए जितेंद्र बाबू की कलाकारी, किसी को भी नहीं छोड़ा इसने तो। भाई जहां भी जाते हैं दीवारों पर प्रेमी जोड़ों के नाम लिख ही देते हैं। वहां टेकरी पर बीबी की मजार है, लेकिन हम अभी वहां नहीं जाएंगे। लेकिन जितेंद्र बाबू के बारे में आप दो शब्द जरूर लिखिए, अभी वीडियो रोक कर लिखिए। ये देखिए धीरे धीरे धरोहर ढह रही है, धरोहर का हरण व मरण हो रहा है, शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यहां बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। क्या अच्छा लगा, कौन कौन ने ये जगह देखी है कमेंट करें। कौन कौन हंडिया, हरदा और आसपास के क्षेत्र से हैं और आगे कौन कौन से स्थान के आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हृदय नगरी हरदा से लेते हैं विदा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।